तो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन फ्रॉम एस्पायर लर्निंग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम दून मेडिकल कॉलेज के बारे में। गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज इस नाम से ही जाना जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज के रिव्यूज और इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यूज डालते रहते हैं। साथ ही साथ जेई नीट और बिटसाइट से रिलेटेड कंटेंट भी इस चैनल पर आता रहेगा, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, घंटी बजाते हैं और वीडियो को चालू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा लाइटिंग में फर्क दिख रहा होगा, शायद ग्रीन स्क्रीन हटी है या नहीं हटी है। तो अब जम करते हैं कॉलेज रिव्यू की तरफ। तो कॉलेज में सबसे पहले यहाँ पे पीपीटी दिख रहा हो, स्क्रीन पे आपकी पीपीटी आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने मेडिकल कॉलेज की अच्छी सी गेट की फोटो लगा रखी है, दून मेडिकल कॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज। एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो ये न्यूली एस्टैब्लिश है, और एस्टैब्लिशमेंट इसका 2016 में ही हुआ है, न्यूली एस्टैब्लिश कॉलेज है। और एड्रेस मैंने यहाँ पे दे रखा है पिन कोड के साथ, आप जाके गूगल में देख सकते हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप में है कहाँ। और ये एफिलिएटेड है HNB उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन देहरादून के। तो ये एफिलिएटेड कॉलेज है और अपने आप में स्वतंत्र कॉलेज नहीं है, तो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो उससे इंस्ट्रक्शंस ले रहा होगा। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहुँचेंगे कैसे। अगर आपको इमरजेंसी हो जाती है और आपको अपने घर वालों के पास जाना होता है तो वो कैसे पहुंचेंगे। तो रेलवेज़ के साथ कनेक्टिविटी देखते हैं, तो रेलवेज़ में आपको 12 मिनट लगेंगे और लगभग 2.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको देहरादून रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। और एयरपोर्ट की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा दूर है, जौलीग्रांट जो एयरपोर्ट है वो 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको मिलेगा, और कम से कम आधा घंटे से एक घंटा आपको लगेगा, वो भी ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। कोर्सेज एंड सीट की बात करते हैं तो इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, पीजी कोर्स, यूजी कोर्स होंगे। मेनली हम फोकस करते हैं यूजी की तरफ, क्योंकि ये यूजी ओरिएंटेड वीडियो है। और यूजी सीट्स की बात करते हैं तो ये 2022 आते आते ये 175 हो चुकी है, जो अभी इनहेंसमेंट हुआ है रिसेंटली सीट्स का, वो डेटा शीट में आप जाके देख सकते हैं। और पीजी कोर्सेज की बात करते हैं तो ये 17 हैं, और हो सकता है कि इसमें कुछ सीटों का इनहेंसमेंट हुआ हो, क्योंकि ये बेस्ड ऑन 2021 डाटा है, 2022 का जो डाटा है अभी अवेलेबल नहीं है साइट पे। और बात करते हैं एडमिशन की तो 50% AI की और 85% स्टेट कोटा, ये तो सारे ही गवर्नमेंट कॉलेज में लगता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सीट का जो एग्जैक्ट काउंट है वो भी दे रखा है, और यहाँ पे आप कैंपस की फोटो भी देख सकते हैं। बेसिकली हम कैंपस के बारे में तो और डिटेल में बात कर रहे होंगे। एडमिशन एंड कट ऑफ की बात करते हैं तो आपको नीट में कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इस कॉलेज में घुसने के लिए। तो कॉलेज नया बना है पर इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, इसका जो कट ऑफ है थोड़ा रिलेटिवली हाई जाता है। मैंने स्टेट कोटा के लिए और ऑल इंडिया कोटा के लिए यहाँ पे दोनों पे लगा रखे हैं। स्टेट कोटा की बात करते हैं तो अगर आप जनरल से हैं तो आपको 526 मार्क्स लाने होंगे। ये पिछले साल का डेटा है, हो सकता है इस साल का डेटा थोड़ा सा अलग रहे, फ्लक्चुएट करे, पर इस डेटा से आपको थोड़ा सा एस्टिमेट लगाना है कि आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो कि पेपर की टफनेस पे भी डिपेंड करता है। अगर पेपर टफ हुआ तो थोड़ा सा कट ऑफ नीचे चला जाएगा, आसान हुआ तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, पर आपको 500 से 600 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इस कॉलेज में जाने के लिए। और वैसे भी गवर्नमेंट कॉलेज है और देहरादून में तो इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। ऑल इंडिया कोटा की बात करें, अगर आप इस मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं वो भी उत्तराखंड से बाहर, तो आपको लगभग 600 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। ये जनरल कैटेगरी है, उसके बाद ये EWS है। यहाँ पे मैं चार्ट लगा दूंगा एडिटिंग में कि कौन कौन सी कैटेगरी का क्या है। और जनरल कैटेगरी को लगभग 600 मार्क्स स्कोर करने पड़ रहे हैं, तो और कैटेगरी थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले सकते हैं। लगभग आपको 550 से तो ऊपर अपना स्कोर रखना है अगर आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हैं। बाकी अगर आप स्टेट कोटा से हैं तब भी आप 550 स्कोर करें, क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ ऊपर चला जाए, हो सकता है कि कट ऑफ नीचे चला जाए, क्योंकि इससे हमें आपको केवल एस्टिमेट लगाना है कि कितने मार्क्स आपको लाने होंगे नीट में। फीस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आता है सारे के सारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी लगभग फीस सेम ही है। तो मैंने पुराना चार्ट जो पिछली वीडियो का था वही लगा रखा है। इसमें बॉन्ड फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और वो बॉन्ड फैसिलिटी हर साल चेंज होती रहती है, किस साल वो कितना रहते हैं, तो आपको इसके लिए कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ेगा। मैंने 2020 की डेटा के हिसाब से उठाया, क्योंकि 2021 का जो बॉन्ड का फैसिलिटी उन्होंने वहाँ पर PDF नहीं डाल रखी है, और ये रेगुलरली चेंज भी नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत पुराने जो डेटा शीट है वो अवेलेबल है, नई डेटा शीट अवेलेबल नहीं थी, तो उसके बेसिस में कह सकता हूँ कि बॉन्ड फीस तो मिल रही होगी। और अगर आपको रिसेंट की बॉन्ड फी देखनी है तो वो या तो आपको कॉलेज पहुंचना पड़ेगा, वहाँ पे वो डेटा दे देंगे। साइट भी उन्होंने अपडेट नहीं किया है, तो साइट भी थोड़ी देर में, शायद कुछ दिनों में अपडेट कर देंगे, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बेसिकली अगर आप किसी बॉन्ड का सहारा नहीं लेते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपके कम से कम 426,000 रुपये लगने वाले हैं एक साल के। और कुछ फीस जो हैं वो परमानेंट फीस हैं, और कुछ फीस आपको बाद में मिल जाएंगी, वो मैंने यहाँ पर चार्ट में दिखा रखी है। तो अब बात करते हैं कैंपस के बारे में, हमने एडमिशन और फीस की बात कर ली है, तो अब देखते हैं कैंपस में आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिल रही है इस फीस पर। तो कैंपस के बगल में मैंने यहाँ पे एरिया लिख रखा है, और आपके मन में यही आ रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा है। That's what she said. तो हाँ, ये इस कॉलेज का ड्रॉबैक है कि जो इसका एरिया है वो थोड़ा छोटा है, पर फैसिलिटीज़ इन्होंने इक्विप करा रखी हैं,
जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल रखे हैं कि आपको लेक्चर थिएटर जो कि इस कॉलेज की शान है, इस कॉलेज जो फेमस हो रखा है वो लेक्चर थिएटर के लिए भी हो रखा है, तो इसके लेक्चर थिएटर बहुत अच्छे हैं। ऑडिटोरियम की बात करते हैं तो ऑडिटोरियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर जो ऑडिटोरियम बनेगा वो नई फैसिलिटी के साथ बनेगा, क्योंकि नया बन रहा है उसमें नई टेक्नोलॉजी और जो भी इक्विपमेंट्स होंगे वो अवेलेबल होंगे। सेपरेट जो हॉस्टल्स हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अवेलेबल होंगे। रिक्रिएशन रूम और विजिटर्स रूम, रीडिंग रूम, इंटरनेट रूम आपको मिल रहा होगा, अलग अलग फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी। और जो ये फैसिलिटीज़ हैं उसके साथ साथ आपको बैंक भी मिल रहा होगा। SBI की बैंक यूजली हर कॉलेज में होते हैं, और किसी बैंक का जो ATM है वो भी आपको मिल सकता है, जिससे आप वहाँ पे कैश का जो लेन देन है वो कर सकते हैं। और वाईफाई फैसिलिटीज़ अभी कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है, मैंने नो इसलिए लिखा है क्योंकि वाईफाई आपको पूरे कैंपस में नहीं मिलेगा, कुछ कुछ पोर्शंस पे मिल जाएगा, वो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और पासवर्ड वहाँ पे एकेडमिक से लेना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर्स में आपको बता रखा हो कि आपके पूरे कैंपस में वाईफाई अवेलेबल है पर असलियत में नहीं है, NID का टिकट, तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, तो वहीं जाके पता लगेगा कि वाईफाई कितना काम करता है, पेपर्स में है या फिर ओरिजिनल है। कॉलेज के साथ साथ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वो अपना डून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ही है, मतलब कॉलेज के नाम के आगे हॉस्पिटल लगा दिया, हॉस्पिटल बन गया। अबे साले, और उसमें बेड्स जो हैं वो 750 अवेलेबल हैं, और हो सकता है ये नंबर इंक्रीज हो चुका हो, क्योंकि बाकी जो हॉस्पिटल है वो बहुत रेपुटेटेड है और इसमें पेशेंट भी रेगुलरली आते रहते हैं। रेगुलरली से मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो बनी रहती है, आपको जो अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी पेशेंट्स की, जिससे आप एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। हॉस्टल एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उत्तराखंड में रह रहे हो तो उत्तराखंड का एनवायरनमेंट से आप फेमिलियर हो गए, अगर आप उत्तराखंड से बाहर रहते हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगा रखा है। जो ब्लू कलर का चार्ट है वो रेन को बताता है और जो रेड कलर का चार्ट है वो टेम्परेचर बता रहा होगा। तो टेम्परेचर देखते हैं, जनवरी फरवरी में लो रहता है और जून के टाइम पर मैक्सिमम हो जाता है, फिर दोबारा दिसंबर तक धीरे धीरे घटता है। ऐसे ही मानसून का सीजन में आपको जून जुलाई में देखने को मिल जाएगा, बारिश भी थोड़ी ज़्यादा होती है देहरादून साइड और उत्तराखंड में ही बारिश ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता है जनवरी से दिसंबर तक। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो उसी अपनी कपड़ों की पैकेजिंग इसी हिसाब से करें, हो सकता है आपको थोड़ी तबीयत खराब हो जाए ठंड के कारण अगर आप गर्म जगह से आ रहे हैं। अगर हॉस्टल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, इंटर्न्स हॉस्टल है, बीजी हॉस्टल है, ये सारे सेपरेट हॉस्टल हैं ऐसी कैंपस के अंदर, और जो टीचर्स के जो रूम है वो भी उसी हॉस्टल में आपको मिल जाएंगे। तो कैंपस छोटा है तो सब कुछ इन्होंने यहीं पे पैक कर रखा है और सारे के सारे जो अकोमोडेशन है वो आपको मिलेंगे। उसमें आपको एक यहाँ पर मैंने लिस्ट कर रखा है बता देता हूँ, इसमें ट्विन शेयरिंग भी हो सकते हैं, क्वार्टर शेयरिंग भी हो सकते हैं, जो रूम होंगे आपके ट्विन शेयरिंग से लेकर क्वार्टर शेयरिंग तक होते हैं, और जो आप फाइनल ईयर में आ जाते हैं तो आपको सिंगल रूम मिल जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आप जब फर्स्ट ईयर में रहेंगे आप तो चार स्टूडेंट एक साथ रहेंगे एक रूम में, उसके बाद धीरे धीरे घटता रहेगा पर ईयर तक, और एंड जब आप एंड ईयर में पहुँच जाएंगे या फिर फाइनल ईयर में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक सेपरेट रूम अलॉट कर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें ना कि मज़े पर। अकोमोडेशन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे बेड्स मिल जाएंगे, आपको वार्डरोब्स मिल जाएंगे, अलमीरा मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा ईच पर्सन, सारी की सारी जो फैसिलिटी है वो पर ईच पर्सन के हिसाब से रहेंगी। अगर रूम में चार बंदे रह रहे हैं तो चार टेबल चार अलमीरा, और एक रूम में कितने फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है, दो या तीन उतने होंगे। वाटर प्योरीफायर आपको हर फ्लोर में मिल जाएगा अलग अलग जगह पे, और भी अगर डिपार्टमेंट जाएंगे तो वहाँ पर वाटर प्योरीफायर आपको मिल जाएगा। बाथरूम जो रहेंगे वो बाथरूम और जो आपके जो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में यार, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, प्रसाधन के जो आपके कमरे हैं वो आपको हर एक फ्लोर में मिल रहे होंगे, और एक फ्लोर में एक ही कमरा रहेगा, एक कमरा मतलब बिग हॉल रहेगा, उसमें अलग अलग सेक्शन रहेंगे। यार इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने हॉस्टल की एक फ़ोटो दे रखी है, रूम की एक फ़ोटो दे रखी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिसेंट रूम आपको मिल रहा होगा। मैस एंड कैफेटेरिया की बात करते हैं तो भाई मैस के बारे में मैं क्या ही बात करूँ, सारे गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सारे के सारे मैस लगभग हद कर देते हैं खाना बनाने की, कि कभी आपको पराठे में आलू नहीं मिलता तो कभी सब्जी में सब्जी नहीं मिलती। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। अपार्ट फ्रॉम जो आपको मैस में सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ है वो डिसेंट क्वालिटी में रहेंगी, इतना भी नहीं है कि रेस्टोरेंट वाला फील आएगा, पर आपको डिसेंट खाना मिल जाएगा जैसे यहाँ पे NIT कालीकट या फिर और कॉलेजेस में मिलता है। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन आपको फूड मिल रहा होगा, डेली बेसिस पे अलग अलग फूड मिलेगा, वैराइटीज़ ऑफ फूड मिलेंगी, और एक हफ्ते का आपको चार्ट मिलेगा कि इस दिन ब्रेकफास्ट पे लंच पे डिनर पे आपको ये मिलने वाला है, एक चार्ट आपके पास रहेगा उसके हिसाब से वो सर्व कर रहे होंगे। मैस की फीस मैंने यहाँ पे लगा रखी है 3500 रहेगी अलग अलग, आप वेजिटेरियन चूज़ करते हैं तो आपकी मैस की फीस अलग होगी, नॉन वेजिटेरियन चूज़ करते हैं तो अलग ही, और गर्ल्स के लिए भी थोड़ा सा फीस में कंसेशन अवेलेबल है, थोड़ी सी फीस में शायद 3200 या 3300 फीस है, थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं है। ओवरऑल मैस की जो क्वालिटी है वो एवरेज है, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, और मैस ही है यार, मैं कितनी बार बोलूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ मैस है रेस्टोरेंट नहीं है, और मैंने यहाँ पे फोटो लगा रखी है, तो डिसेंट क्वालिटी मैस आपको मिल रहा होगा। मैंने सुना था कि जो फर्स्ट ईयर वाले कॉलेज की जो मिस्ट मैस है उनमें TV भी अवेलेबल है, तो इसी हद आपको क्या चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया।
लाइब्रेरी एंड स्पोर्ट फैसिलिटी की बात करते हैं, तो लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, कितने जर्नल्स हैं, इसका डाटा साइट पे अवेलेबल नहीं है। और पर मेरे को यहाँ पे लाइब्रेरी की एक फोटो मिल गई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लाइब्रेरी का ब्लॉक है वो इतना अच्छा इन्होंने मेंटेन कर रखा है। तो जो बुक्स भी होंगी वो अवेलेबल होंगी। किसी भी कॉलेज में अगर आपकी लाइब्रेरी है वो इतनी अच्छी मेंटेन हो रखी है, तो वहाँ पे स्टूडेंट भी जाके पढ़ते हैं, और लाइब्रेरी एक तरह से स्टडी रूम भी होता है, वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, जर्नल्स पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं। डाटा अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बुक्स नहीं होंगी, बस काउंट नहीं है। अगर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आपको क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जिमनाजियम और बैडमिंटन आपको मिल जाएगा। बाकी जिमनाजियम स्पोर्ट्स में नहीं आता, उसको अलग सेक्शन में डालना चाहिए था, कोई नहीं, अगली बार कर देंगे। और इंडोर की बात करते हैं, तो चेस, कैरम और वेरियस टाइप के इंडोर गेम्स आपको मिल जाएंगे। और अदर फैसिलिटीज़ जो आप मैंने यहाँ पे लगा रखी है वो आप देख सकते हैं, जैसे ग्रॉसरी स्टोर मिल जाएगा डेली यूजेस के लिए, जो आपको सामान चाहिए। उसके बाद लॉन्ड्री सर्विस आपको मिल जाएगी, और विजिटिंग रूम, रीडिंग रूम, इंटरनेट रूम और रिक्रिएशन रूम भी आपको मिल जाएगा। रिक्रिएशन रूम में आप जाके चिल आउट कर सकते हैं। मेनली कैंपस छोटा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ भर भर के हैं। पर हम ड्रॉबैक्स के बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगे, प्लस पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में, आप प्रैक्टिकल नॉलेज कितना गेन करने वाले हैं कॉलेज जाने के बाद। तो यहाँ पर किसी स्पेसिमेन की कमी तो नहीं रहने वाली है, कोई इक्विपमेंट्स की कमी नहीं रहने वाली है। और ये नया एस्टेब्लिश कॉलेज है, तो इसमें जो भी इक्विपमेंट्स आए होंगे वो सारे के सारे आउटडेटेड तो नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी जो मेडिकल कॉलेज जो आपके पुराने होते हैं उसमें आउटडेटेड इक्विपमेंट्स भी होते हैं और नए इक्विपमेंट्स भी होते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है। पर इस कॉलेज में ये अच्छी बात है कि इसमें जो सारे के सारे इक्विपमेंट्स और फैसिलिटी है वो आउटडेटेड नहीं है, अपडेटेड है, इसे कह सकते हैं। दून मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो दून मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, और कॉलेज से जस्ट अटैच तो नहीं है, थोड़ा सा दूर है, ये इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि आपको जाने आने में टाइम लगेगा। और रेपुटेटेड कॉलेज है, तो इसमें जो पेशेंट आते रहते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में आते हैं। अगर डेली ओपीडी की बात करते हैं, तो 750 से ज़्यादा डेली ओपीडी मिलेगा। और आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आपको वैरायटीज़ ऑफ केसेस मिलेंगे, क्योंकि देहरादून एक सिटी है, तो अलग अलग जगह से लोग इलाज करवाने के लिए देहरादून सिटी के हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो वहाँ पर आपको वैरायटीज़ ऑफ केसेस मिलेंगे अपनी स्टडी को कम्प्लीट करने के लिए, और आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बढ़ेगा। जो आपकी जो सारी की सारी लैब्स हैं वो अवेलेबल हैं, यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल की फोटो लगा रखी है और लैब की फोटो ये लगा रखी है। आप जाके साइट में गैलरी वाले ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाके सारे की सारी फोटो एक्सेस कर सकती है, मैंने वन ऑफ द फोटो यहाँ पे लगा रखी है। किसी भी कॉलेज में हम केवल पढ़ने नहीं आते हैं, अलग अलग कल्चर को एक्सप्लोर करने भी आते हैं। तो एक्सप्लोर करने के लिए, कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे दो फेस्ट मनाए जाते हैं, एक तो स्पोर्ट फेस्ट होता है और दूसरा होता है कल्चरल फेस्ट। अगर पहले कल्चरल फेस्ट की बात करते हैं, तो फॉरनिक्स नाम करके कल्चरल फेस्ट मनाया जाता है, जो कि रेपुटेड फेस्ट है और अलग अच्छी खासी रेपुटेशन है, अच्छी खासी फेमस है ये फेस्ट। तो आसपास के जो कॉलेज हैं, आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, उसे ज्वाइन करते हैं, और 2 से 3 दिन तक ये फेस्ट चलता है, जिसमें अलग अलग एक्टर आके परफॉर्म भी करते हैं, स्टूडेंट भी परफॉर्म करते हैं, स्ट्रीट प्ले भी होता है, और अलग अलग एक्टर आके भी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और फिनिक्स जो है वो आपका एनुअल स्पोर्ट फेस्ट है, जो कि 2 से 3 दिन चलता है, इसमें अलग अलग स्पोर्ट्स कराए जाते हैं और अच्छा खासा इन्जॉयमेंट होता है। इसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं दोनों की दोनों। तो कॉलेज की अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, तो अब बात करते हैं नोटेबल पॉइंट्स के बारे में, जो कि समराइज कर देगा इस पूरी पीपीटी को, और कुछ ऐसे पॉइंट जो मैंने ऊपर डिस्कस नहीं किए हैं। जैसे पहला पॉइंट ये है कि हॉस्टल की जो टाइमिंग है वो प्रेटी स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी, जैसे ऑल कॉलेजेस की होती है। 8 बजे के बाद लड़कियों का कर्फ्यू टाइम चालू हो जाएगा, उसके बाद 9 या 10 बजे लड़कों का कर्फ्यू टाइम चालू हो जाएगा। बिजी शेड्यूल रहने वाला है, एमबीबीएस करने जा रहे हैं, तो आपको असाइनमेंट और जो प्रैक्टिकल और जो अलग अलग जगह पर आपको जाके जो मेजरमेंट लेने होते हैं, एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, उसका थोड़ा सा आपको लूट रहेगा। फी कंसेशन की बात करते हैं, तो फी कंसेशन अगर आप बॉन्ड साइन करते हैं, तो आपको उत्तराखंड हिल में जाके थोड़ी सी सर्विस देनी पड़ेगी 2 से 3 साल तक, और उसकी आपको पेमेंट मिल रही होगी, पर जो हिल सिचुएटेड एरिया है वहाँ पे आप जाके काम करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं ले पाएंगे अगर आप बॉन्ड के थ्रू अपनी फीस कंसेशन कराते हैं। वेल कनेक्टेड फ्रॉम सिटी, सिटी से बहुत अच्छे वेल कनेक्टेड है, देहरादून में है जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो कॉलेज में नहीं है वो आपको बाहर मिल जाएंगी। जैसे अगर एग्जांपल देता हूँ, श्रीनगर और जो हल्द्वानी है वो इतने कनेक्टेड नहीं है सिटी से, तो अगर आपको कोई चीज़ की कमी पड़ती है तो आपको सिटी में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। पर देहरादून के केस में या फिर दून मेडिकल कॉलेज के केस में ऐसा नहीं है। वेरी स्ट्रिक्ट टीचर्स एंड एकेडमिक्स, ये कॉलेज 2 चीज़ों के लिए फेमस है। पहले इसके लेक्चर थिएटर्स और जो टीचर्स हैं वो अच्छे पढ़ाते हैं, पर दूसरी चीज़ ये है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोई गलती करते हैं तो शायद भारी सज़ा मिल सकती है आपको। सम पार्ट ऑफ द कॉलेज आर स्टिल इन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल दिया था ऑडिटोरियम का, तो ऑडिटोरियम स्टिल कंस्ट्रक्शन में है, और कुछ जो बिल्डिंग्स हैं उनके इनर पार्ट भी अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, तो शायद कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, उसके बाद सीटें और फैसिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। नॉट सो ह्यूज कैंपस, अगर GMC's के कंपैरिजन में जाएँ, GMC श्रीनगर और GMC हल्द्वानी की कंपैरिजन में देखें, तो ये बहुत छोटा कैंपस है, 21 एकड़ का कैंपस है, और जो GMC हल्द्वानी और GMC श्रीनगर से इनकी 90 प्लस कैंपस एरिया है, तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उनके कंपैरिजन में छोटा है, और हो सकता है कि आप कैंपस में घूमते घूमते जल्दी बोर भी हो जाएं। पर इसका एक
पॉजिटिव पॉइंट भी सोचा जा सकता है क्योंकि ये सिटी से वेल कनेक्टेड है, तो आप परमिशन लेके देहरादून में भी घूम सकते हैं जो कि एक अच्छी सिटी है। कॉलेज की जो रिव्यूज़ हैं वो मिक्स रिव्यूज़ हैं क्योंकि 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो अभी बिल्कुल कह सकते हैं 2 या 3 बैच निकले होंगे, तो उन्होंने अपना अपना रिव्यू दिया, अपना अपना ओपिनियन दिया, तो कुछ मेजॉरिटी में कुछ रिजल्ट सा नहीं निकल रहा है, मिक्स रिव्यू है। कोई कह रहे हैं कॉलेज ज़्यादा ही अच्छा है, कोई कह रहे हैं बिल्कुल बेकार है क्योंकि अभी फैसिलिटीज़ अभी इतनी अवेलेबल नहीं हुए हैं। पर अगर डेटा की बात करें और कुछ रिव्यूज़ की बात करें तो ये कॉलेज डिसेंट है, जिन्होंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाली है ग्वारा पे, तो डिसेंट कॉलेज है। अगर आप जाते हैं और थोड़े से मेहनती है तो अपना एक अच्छा प्लेसमेंट सिक्योर कर सकते हैं। टीचर्स की बात करते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, पर साथ ही साथ नॉट केयरिंग वाली उनकी फील भी रहती है, जैसे कि वो अपने क्लिनिक में बिजी रहेंगे और आप जाएंगे तो हो सकता है वो आपको टाइम ना दे, अलग अलग दिन बुलाते रहें, पर आपको थोड़ा सा टाइम खींच के निकालना पड़ेगा जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके। अकॉर्डिंग टू सम रिव्यूज़ जो उनकी स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो पेपर्स में ही अच्छी हैं, जैसे हम अभी फोनिक्स की बात करते हैं, फोनिक्स जो भी उसे बोलते हैं, तो जो स्पोर्ट फैसिलिटी है या फिर जो स्पोर्ट फेस्ट है वो पेपर्स में अच्छा दिखता है पर अवेलेबल नहीं है, पर इसका आपको डायरेक्ट अंदाज़ा यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं उसे देख के लग जाएगा। और 75% अटेंडेंस रूल, जो कि ठीक है, आपको इतनी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी तब जाके आप अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। 75% तो ठीक है, कहीं कहीं कॉलेज में 80% भी होता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम देना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट यूजी के बाद पीजी नीट की तैयारी कर रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अपनी स्टडीज़ को छोड़ के आगे का भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम शायद कम मिल पाएगा। पर तब भी अगर आप MBBS भी करते हैं तो अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ तक हमने कॉलेज की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, अलग अलग जो फैसिलिटीज़ थी, अलग अलग जो सर्विसेज जो कॉलेज में अवेलेबल हैं उसके बारे में हमने बात किया है। तो और मेडिकल कॉलेज की जो रिव्यूज़ है वो भी मैं डालता रहूँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपनी कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके ब्लॉग भी बना रहे हैं, अगर आपको हमारे साथ हमारी और अपनी कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करनी है तो वो ब्लॉग वाले सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, तो उसको भी हम अपडेट करते रहते हैं, रेगुलरली ब्लॉग डालते रहते हैं किसी न किसी चीज़ का, तो आप जाके देख सकते हैं। वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम ये वाली वीडियो बनाते हैं, दोनों के अलग अलग प्लेलिस्ट है, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।